आ गया मैं दुनियादारी, आ गया मैं दुनियादारी, देख बाबा छोड़ के लेने आ जा खाटू वाले रिंग्स के उस मोड़ पे, लेने आ जा खाटू वाले रिंग्स के उस मोड़ पे। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जब दरबार पहुंचते हैं तो बाबा श्याम आपको वहां पर प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। श्याम भक्तों, अब आपको ये समझना होगा कि बाबा श्याम आपको वहां पर किस रूप में दर्शन देंगे, कैसे दर्शन देंगे, ये आपके समझ के ऊपर है। यानी जब बाबा श्याम के दरबार आप पहुंचते हैं तो दरबार पहुंचने से पहले तोरण द्वार आता है, तो तोरण द्वार पर खड़े होकर आपको बाबा श्याम को ध्यान करना चाहिए, बाबा श्याम को प्रणाम करना चाहिए। और उस समय बाबा श्याम आपके आसपास ही रहते हैं। यानी बाबा श्याम का ध्यान अपने हर उस भक्त पर होता है जो सच्ची श्रद्धा और सच्चे भाव के साथ बाबा श्याम के दरबार में आया है। परंतु ऐसे भक्त जो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञानी हैं और सर्वज्ञानी बनकर वहां पर जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद बाहर आ जाते हैं, तो श्याम भक्त तो बाबा श्याम भी ये जानते हैं कि ये तो सब कुछ जानता है, ये तो सर्वज्ञानी है, इसको सब कुछ पता है। यानी ये अपने आप आएगा, दर्शन करेगा और चला जाएगा। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप एक अज्ञानी बनकर, यानी कि आपको पता है कि बाबा श्याम को आपको किस प्रकार से रिझाना है, आप पहले से ही समझ कर आए हैं कि बाबा श्याम को कैसे खुश करना है, बाबा श्याम के लिए कौन सा प्रसाद बनाकर लेकर जाएं कि बाबा श्याम हम पर अपना आशीर्वाद दे दें, श्याम भक्तों आप बाबा श्याम के नाम की महिमा समझ चुके हैं, जान चुके हैं और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ दरबार में आए हैं कि आज मैं बाबा श्याम को किसी भी प्रकार से दरबार पहुंचकर मना ही लूंगा। और ये सोचकर जब आप तोरण द्वार पर आ जाते हैं और तोरण द्वार पर आकर आप दंडवत प्रणाम करते हैं, बाबा श्याम का जब आप ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद बाबा श्याम से कहते हैं कि बाबा श्याम आपके दरबार में पहुंच चुका हूँ, तो बाबा श्याम तो आपके आसपास होते हैं और वो आपकी परीक्षा वहां पर किसी भी प्रकार से लेने के लिए आ सकते हैं। श्याम भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बाबा श्याम खाटू के कण कण में विराजते हैं, यानी बाबा श्याम वहां पर किस रूप में आपके समक्ष आ जाएंगे, किस रूप में आपको दर्शन देंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे। बाबा श्याम आपके समक्ष खड़े होंगे, आपको इशारा भी देंगे, फिर भी आप नहीं समझ पाएंगे कि बाबा श्याम आपके पास से गुजरे हैं। आप तो सिर्फ खाटू में आए हैं बाबा श्याम की उस शीश के दर्शन करने के लिए। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से तोरण द्वार पर आपको 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। यानी जब आप दंडवत प्रणाम कर लेते हैं, दंडवत प्रणाम करने के बाद आप खड़े हो जाइए और खड़े होने के बाद वहीं पर आप 4 बार परिक्रमा कर सकते हैं, बाबा श्याम को प्रणाम करिए, प्रदक्षिणा करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो श्याम बाबा को खोजते खोजते आप बाबा श्याम के कुंड की तरफ आ जाते हैं। कुंड की तरफ जब आते हैं तो वहां पर आप बाबा श्याम को आपकी निगाहें तलाशनी चाहिए। बहुत सारे लोग कुंड में जाते हैं तो कुंड में जाकर वहीं खड़े हो जाते हैं और कुंड का नजारा इतना मंत्रमुग्ध होता है, क्योंकि बहुत सारे भक्त जो होते हैं बाबा श्याम के उस कुंड में स्नान कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बाबा श्याम की उस कुंड के जल को भर रहे होते हैं, आप ये सब कुछ देख रहे होते हैं। उसके बाद फिर आपका मन ये सोचता है कि मुझे इस कुंड में जाना चाहिए और इस कुंड के जल को अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। उसके बाद आप नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से और नीचे उतरने के बाद आप उस कुंड के जल को अपने हाथ में लेते हैं और उस जल को अपने ऊपर छिड़क लेते हैं। अगर वहाँ आप स्नान नहीं करते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब बात आती है क्या उस कुंड के जल को हम भर लें, तो अगर आपके पास कोई खाली कैन वगैरह अगर आप लेकर आए हैं तो उस खाली कैन से उस जल को वहाँ पर ले सकते हैं। और ऐसा माना जाता है जब आप अपने घर पहुँच जाते हैं तो उस कुंड के जल को अपने घर में पूजा पाठ करने के दौरान आप छिड़क सकते हैं, जिससे बाबा श्याम की सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे घर पर बनी रहती है। तो श्याम भक्तों, ये है कुंड की महिमा। यानी बाबा श्याम के दरबार में आपने इस कुंड की महिमा के बारे में सुना। और अगर आपके पास खाली कैन नहीं है उस समय तो निराश होने की जरूरत नहीं है, खाटू धाम में जगह जगह दुकानें बनी है, सबके पास वो खाली कैन मिल ही जाएगा आपको। परंतु श्याम भक्तों, उस समय नहीं है तो सिर्फ कुंड का जल अपने ऊपर छिड़क लेना चाहिए और छिड़कने के बाद उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर आ जाइए,
कुंड जो है गोलाकार में बना हुआ है, यानी कुंड की परिक्रमा जब आप एक जगह शुरू करेंगे तो दूसरी जगह अगर समाप्त हो जाएगा तो जहाँ एंट्रेंस गेट है वहीं से शुरू करेंगे और वहीं पर समाप्त करेंगे। उसके बाद फिर आप बाबा के दरबार की तरफ बढ़ जाएंगे। बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद, बाबा श्याम को प्रसाद वगैरह अर्पण करने के बाद, बाबा श्याम को इत्र वगैरह अर्पण करने के बाद लाइन से बाहर आकर बाबा श्याम से अगर कुछ मन्नत करना चाहते हैं, उनसे मन्नत मांगना चाहते हैं तो उनसे आप मन्नत कर सकते हैं, उनसे आप अरदास लगा सकते हैं। शम भक्तों, अब आती है महत्वपूर्ण जानकारी। आपके पास एक मिट्टी का दिया होना चाहिए। अटू धाम में अगरबत्ती दिया दीपक जलाना अलाउ नहीं है। बाबा के दरबार के बाहर तो वहां पर खड़े होकर बाबा श्याम से एक बार फिर विनती कर सकते हैं। और अगर शम भक्तों आपके पास अगर मिट्टी का दिया है, मिट्टी के दिए में एक रुई की बाती लगाकर और थोड़ा सा घी डालकर उस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। प्रज्वलित करने के बाद अपने सीधे हाथ पर रखकर बाबा श्याम की वहां पर आरती कर लेनी है। मन ही मन कर लीजिए, अगर तेज करना चाहे तो तेज आरती कर लीजिए। इस प्रकार से बाबा श्याम की आरती कर लीजिए और आरती करने के बाद जो दीपक आपके पास रहेगा उसको जलता हुआ वहां छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या करना है, उस दीपक को एक जगह रख देना है और रखने के बाद आप जो श्याम कुंड का जल अपने साथ कैन में भर कर लाए हैं उस जल को निकाल कर, यानी अपने हाथ में जल भरकर दीपक के चारों तरफ घुमाकर जल को वहीं छिड़क दीजिए और बाबा श्याम से आशीर्वाद लीजिए। वो जो दीपक है जिससे आपने बाबा श्याम की आरती की है उस दीपक के ऊपर दोनों हाथ रख कर अपने माथे से लगा लीजिए। आपके साथ आपके जो परिवार के लोग हैं उन्हें वो आरती दे दीजिए। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों आपने बाबा के दर्शन तो किए ही किए, साथ ही साथ बाबा श्याम की आपने वहां पर आरती कर ली जो कि आप अपने घर में बाबा श्याम की पूजा के दौरान करते हैं। परंतु श्याम भक्तों ये तभी पॉसिबल होगा जब वहां पर तेज हवा नहीं चल रही होगी। अगर तेज हवा चल रही होगी तो बाबा श्याम की ये आरती आप वहां पर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप वहां पर नहीं कर पाए तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, श्याम कुंड में जगह बनी हुई है जहां पर बाबा श्याम विराजते हैं, श्याम कुंड में जाकर अगर वहां जगह मिलती है तो उस जगह में आप बाबा श्याम के समक्ष सिर्फ हाथ जोड़ लेंगे और वहां मन ही मन बाबा श्याम का जो मंत्र होता है ओम श्री श्याम देवाय नमः, इन मंत्र का अगर आप जाप भी कर लेते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो श्याम भक्तों ये मैंने एक तरीका बताया है और ऐसा नहीं है कि आपने आरती कर ली और आरती का दिया आपने वहीं कहीं रख दिया। लाइनों में जो रेलिंग वगैरह होती है उस रेलिंग में बहुत सारे मन्नत के धागे बंधे होते हैं। यदि अगर किसी भक्त ने दीपक जलाकर इधर उधर रख दिया तो उनके जरिए आग पकड़ने का डर सदा बना रहता है। इसलिए मंदिर प्रांगण में दीपक वगैरह ले जाने की अनुमति नहीं होती है, ना ही धूप बत्ती ले जाने की अनुमति होती है। वहां तो सिर्फ आप प्रसाद वगैरह आप ले जा सकते हैं, इत्र वगैरह की शिशु वगैरह आप ले जा सकते हैं और उससे बाबा श्याम को आप प्रसन्न कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों तो अगर बहुत ज्यादा दुखी है, अगर आप किसी भी संकट से घिरे हैं और आपका मन नहीं मान रहा है तो इस तरह से आप बाबा के दर्शन करने के पश्चात बाहर आकर बाबा श्याम की इस प्रकार से आप आरती कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों जब वो दीपक बंद हो जाए तो दीपक बंद होने के बाद ही आपको वहां से जाना चाहिए, यानी जलता हुआ दीपक वहां आपको छोड़ के नहीं जाना है, उस दीपक की रक्षा करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस दीपक की ज्योत यदि किसी धागे में लग जाए, यदि किसी चीज में आग पकड़ जाए तो उसके पाप के भागी आप बन सकते हैं। तो इसलिए श्याम भक्तों अपनी आंखों के सामने जिस प्रकार से हम अपने घर में दीपक जलाकर छोड़ के नहीं आते हैं, दीपक ज्योत जलने के बाद जब मंगल हो जाता है यानी बंद हो जाता है तभी हम अपने घर से निकलते हैं, तो उसी प्रकार से बाबा के दरबार में भी हमें किसी प्रकार का दीपक जलाकर छोड़कर नहीं आना चाहिए। जब हम आरती करते हैं, हमने बाबा श्याम को प्रसन्न किया है तो उतना समय हमें वहां पर खड़े होकर देना ही चाहिए। तो श्याम भक्तों जब भी ऐसा मौका मिले, अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा भीड़भाड़ नहीं है खाटू धाम में, तभी आप इस प्रकार के काम कर सकते हैं। अगर ज्यादा भीड़भाड़ है, लोगों में धक्का मुक्की है या ज्यादा भीड़ है, दबाव है, जगह नहीं है बिल्कुल, तब आप वहां पर ये काम बिल्कुल भूल से भी ना करें। अगर खाटू धाम में बिल्कुल खाली है, उस समय कोई नहीं है, तो उस समय ही आप बाबा श्याम की आरती करें, क्योंकि धक्का मुक्की में क्या होता है, अगर आप दीपक लेकर आरती वगैरह करेंगे तो उस दीपक से किसी के कपड़े वगैरह में आग लगने का खतरा बना रहता है, डर बना रहता है, तो ऐसा काम भूल से भी ना करें। बाबा श्याम की जो आरती होती है बड़े ही शांति मन से और बड़े ही ध्यान पूर्वक खुले जगह में की जाती है, ना कि भीड़ भाड़ में, धक्का मुक्की में। ऐसे समय में भूल से भी ये काम
नहीं करना चाहिए। और अगर शम भक्तों, अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि नहीं हमें बाबा की आरती जरूर करनी चाहिए थी, तो जब आप रिंगस आते हैं तो रिंगस में निशान भवन बना हुआ है, निशान भवन में बाबा श्याम की तस्वीर रखी है, वहां खड़े होकर आप आरती कर सकते हैं। वहां से आप बाबा श्याम का निशान भी धारण करके बाबा के दरबार तक आ सकते हैं। तो शम भक्तों, आप पूरी बात समझ चुके होंगे कि भगवान को प्रसन्न करना है, परंतु समझदारी और सजगता के साथ करना है, क्योंकि शम भक्तों कब कौन सी घटना घट जाए ये कोई भी नहीं कह सकता, परंतु हमें सकारात्मक भाव के साथ भगवान की पूजा तो करनी ही चाहिए, परंतु एक जो नकारात्मक हिस्सा है उसको भी दिमाग में हमेशा बिठा के चलना चाहिए कि इसे हमें अपने से किस प्रकार से दूर रखना है, सिर्फ ऐसा मन में सोचना है। शम भक्तों, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी शम भक्तों को जय श्री शम।